विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर लगे मतदान अधिकारी द्वितीय का प्रशिक्षण DDU विश्वविद्यालय के कला संकाय भवन में मंगलवार को भी जारी रहा, जिसके संबंध में मुख्य प्रशिक्षण मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि विधानसभा चुनाव में ड्यूटी पर लगे मतदान अधिकारी द्वितीय का प्रशिक्षण कराया जा रहा है तथा यह प्रशिक्षण दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के संकाय कला भवन में 26 कमरों में चलाया जा रहा है और यह प्रशिक्षण 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक चलेगा, जिसमें मतदान अधिकारी द्वितीयों को मतदान के दिन क्या ड्यूटी है इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है और मशीन के स्विच लाइट सिग्नल का क्या असर है और सारी चीजें समझाते हुए ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने बताया कि जब मतदाता बूथ पर आते हैं तो कैसे रजिस्टर में अवलेखन किया जाता है और रिकॉर्ड कैसे किया जाता है इसके बारे में भी ट्रेनिंग दी गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य प्रशिक्षण मनोज कुमार गुप्ता ने कहा, टोटल हमारी दो BU आपके कनेक्शन के BU का कनेक्शन B1 में हो जाएगा, यहाँ का B1 का कनेक्शन BU पॉइंट में हो जाएगा। इतनी ज्यादा आपको फुलफिल दी जाएगी रोल कि पेपर समाप्त नहीं होगा, फिर भी यदि समाप्त कवर कराएंगे तो आपकी जो भी सुविधाएं असुविधा होगी उसको दूर कराया जा सकता है कि अपने तौर से कोई भी समस्या को क्रिएट न कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कंट्रोल यूनिट वोट पोल हो गया और उसमें आप लोग CRC कर दिए, इससे दिक्कत ये हो जाएगा कि जो भी वोट पोल हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। इसलिए यदि एरर आ रहा है तो तुरंत अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को अवगत कराइए और जो भी समस्या होगा वो लोग अपने निदान कर देंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 4 से 5 VVPAT कंट्रोल यूनिट BU ऑलरेडी उनके पास दी जाएगी एक्स्ट्रा में, कहीं एरर आ रहा है या समस्या आ रही है तो सब कुछ चीजों का वो लोग निदान करें। मोहला के पीछे मैं बताएंगे जो असली बात है वो पीछे ये मोहर लगेगी माफ हो जाएंगे वाली वो अलग है, कोई डब्बे में और आपको तो मिलेगा वो डब्बे में सील करके बिल्कुल 6 बजे से ही अपनी तैयारी होगी। अगर आप सब तैयारी करेंगे अपनी तैयारी कर लेंगे उसके बाद जो है मार्च जो आपका 90 मिनट पहले ही ये पेपर किसी को लॉक करता है उसका काम, ये पेपर वो लगा है ना इसको लॉक करता है, तो ये लॉक पोजीशन में देखिए ये ऊपर ऑन कर देंगे ऊपर ऑन हो जाएगा तो फिर प्रत्याशी है तो बताएगा फलाना है, फिर उससे पूछ लीजिए कि कौन सा चुनाव चिन्ह है तो बताएगा कि फला चुनाव चिन्ह है, तो पीठासीन को लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन बता रहा है उसी पर उंगली है, तो मैंने इस बार इसको माइंड मेकअप ठीक है कि जो हम दबाना चाह रहे हैं उसी पर उंगली है, तो ये पीठासीन तसल्ली हो गए। उसके बाद इन अभिकर्ताओं से भी पूछिए कि भाई ये जो कह रहे हैं वही बात सही है या कुछ और है, देखो तो ये भी कहेंगे कि नहीं साहब तो ठीक है कह रहे हैं कि 6 नंबर है और 6 पर उंगली है। तो अब ये तीनों मैंने एजेंट मतदाता और पीठासीन सिंक्रोनाइज हो गए, अब सभी माइंड मेकअप हो गए 6 नंबर है उंगली भी 6 है और अब इसको सभी लोग बोलेंगे कि ये बटन ये उंगलियां ऐसे परमानेंट उसकी पड़ी रहेगी, यहाँ ये नहीं कि एक बार उसे पूछ ले तो हटा लेगा फिर गड़बड़ हो जाएगा। मैं मनोज कुमार गुप्ता जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर गोरखपुर। अभी सामान्य विधानसभा निर्वाचन 2022 जनपद गोरखपुर में जो फर्स्ट रैंडमाइजेशन के बाद कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है उसमें PO और PO फर्स्ट को पहले ही जुबली इंटर कॉलेज में 27 से लेकर 2 फरवरी तक पूरा प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उसके उपरांत हमारे जिलाधिकारी महोदय जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने PO सेकेंड को भी ट्रेनिंग दिलवाने की प्रॉपर व्यवस्था कराई है, उसके तहत दिनांक 7 फरवरी 2022 से
लगातार ट्रेनिंग अब यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर कला संकाय में विभिन्न 26 कमरों में चलाए जा रहे हैं और ये 10 तारीख तक कंटिन्यूस चलेगी। इस प्रकार से इन पीओ सेकंड की क्या ड्यूटीज है मतदान के दिन, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। इनको मशीन के ऑपरेशंस और उनके जो स्विचेज और लाइट्स इत्यादि हैं, सिग्नल हैं, उनके बारे में उनका क्या आशय है जलने बुझने का, ये सारा चीज़ समझाते हुए इनको ट्रेनिंग कंप्लीट दी जा रही है। और इनकी अपनी ड्यूटी जो खास करके 17 मतदाता का रजिस्टर होता है, जिसमें विभिन्न विशेष स्थितियाँ जैसे 49O का मामला है, 49M का मामला है या 49MA का मामला जब आते हैं तो उसका कैसे रजिस्टर में अभिलेखन किया जाता है, रिकॉर्ड कैसे करते हैं, इसके बारे में आज इन PO2 को सबको ट्रेनिंग हमारे विभिन्न 26 कमरों में दिलाई जा रही है।